चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे लिख लो हिमालय का यानी वर्टिकल क्लासिफिकेशन, तो इसमें क्या करेंगे जरा देखो। जब उस दिन वाले दिन हिमालय को बनाया था तो लगभग हम एक उसी तरीके की स्ट्रक्चर बना देते हैं, इंडिया का मैप नहीं बनाना है। ये लग रहा डेंगू वाली दवाई छिड़की जा रही है, ज्यादा नहीं था तो मच्छर छिड़के वाली दवाई छिड़की वाली। तो देखो ये हिमालय का स्ट्रक्चर बना हुआ है, उस दिन बताए थे कहने का ये हिमालय में इधर जो थू थू ऐसी लटकी दिखेंगी ये अराकान गोमा कहलाता है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा हिमालय, इसमें अगर आप यहाँ पर देखोगे एक आपको यहाँ पर कुछ झीलें भी, जब याद करो हम लोग नदी पढ़े थे कौन सी, चिनाब, झेलम, ब्यास, सिंध, ब्रह्मपुत्र नदियां पढ़े थे, तो उनमें कुछ ऐसा बनाया था, तब याद करो। दिख रहा है आपको इधर से? नहीं तब, अच्छा तभी बैठे कैमरे इधर, अच्छा चलो ठीक है जहां दिखे बैठो। तो उसी में यहाँ पर देखो एक नदी निकल रही थी जिसे कहते थे इंडस, वो ये रही इंडस के बाद में एक यहाँ से निकलती थी सतलज, ये भी बताए थे। यहाँ पर एक नदी इधर बताए थे देखिए आपको तीस्ता, एक ये बताए थे आपको ब्रह्मपुत्र, ऐसे आ रही तीस्ता ब्रह्मपुत्र एक दूसरे से। और एक नदी यहाँ पर और थी जो कि शारदा बताई थी जिसे काली नदी कहते हैं, जो कि आपकी घाघरा के लिए थी, ठीक। तो चलो अगर हम इनके नाम देख लें तो ये वाली हो जाएगी आपकी इंडस या सिंधु, ये वाली हो जाएगी सतलज, ये वाली हो जाएगी काली या शारदा कहते हैं थे। हाँ एक ही चीज, ये वाली हो जाएगी तीस्ता और ये वाली हो जाएगी ब्रह्मपुत्र, ठीक। नदियों के नाम तो लिख लिए, अब उसके बाद पूछा ये जाता है आपके एग्जाम में कि इनमें से किस नदी के बीच वाले हिस्से को हिमालय के किस नाम से जाना जाता है। आपने शायद नाम सुना होगा पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, ब्रह्मपुत्र, कुमायूं हिमालय, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, ऐसे नाम सुने थे, मुस्कान, देवा, वकार, वकार ये अहमद, सर बाराबंकी, सब नहीं रायबरेली है, हाँ अकरम अंसारी बाराबंकी है ना। यस सर हाँ तो भैया ये नाम सुने थे इससे पहले? हाँ यस सर तो देखो इनमें क्या करना है, इंडस और सतलज के बीच में जो हिमालय है इसी हिमालय को पंजाब हिमालय कहा जाता है, क्या कहते हैं पंजाब हिमालय। तो आपसे वहां पर एग्जाम में या जिसे मिलाने को देता है कि इनमें से किस हिमालय को किस नाम से जानते हैं, तो पंजाब हिमालय का मतलब सिंध और सतलज नदी के बीच वाले हिस्से को कहा जाता है, ठीक। फिर उसके बाद ये वाला काली नदी है और ये वाली सतलज नदी है, इन दोनों के हिस्से को कुमायूं, उमा हुमायूं नहीं कुमायूं हिमालय, ठीक। सतलज और काली या सतलज और शारदा के बीच के हिमालय के पोर्शन को कुमायूं हिमालय कहते हैं। अब शारदा और तीस्ता नदी के बीच वाले हिमालय को क्या कहते हैं, ले नेपाल हिमालय कहते हैं। और तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच वाले हिस्से को क्या कहते हैं, असम हिमालय असम हिमालय कहते हैं। किसने बताया कौन था, सर सुम्बुल, सुम्बुल भागपत, यस सर सबके नाम याद हो गए हैं, जिला 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 याद हो गया, लेकिन बोर्ड पे लिख रहे थे ना, देख नहीं पाए किसने बोला था। चलिए जेबा बलरामपुर,
समझ में आया? अरे बोलो तो, कोई दिक्कत तो नहीं, सर। किसी को कोई समस्या? तो नो सर। ये नोट कर लो, ये पिलाने को आते हैं, अगर किसी का भूल गए हो, मिस हो गया, दोबारा बता दें, और नहीं तो फिर इसे हटा के हम लोग नए टॉपिक पर चलते हैं। बताएं, मुस्कान। जी सर। तहसील मेहंदी बाराबंकी। सूफिया यस सर। बनारस। समझ में आया है? जी सर। हाँ, याद हो गया, हटा दें। अरे तो यस कौन सर। हिमालय ऐसा नाम है। भी नहीं, हमारे उसके ऊपर बगाए दे रहे हैं, पंखरे बुला रहे। चलो, ये तो हो गया, एक कुछ माउंटेन हो गए, रिवर हम लोग पहले से पढ़ लिए थे। अब एक नया टॉपिक किसी में अगला शुरू कर रहे हैं, उसका नाम होगा ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन। क्या थोड़ा है यातायात, परिवहन लिख लो, ट्रांसपोर्टेशन लिख लो, निदा यू, सेवा वकार, तहसील सूर्या, कामरान मरियम, ठीक है? सब लोग लिख लिया? अच्छा, देखो, अगर हम लोग इस ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, इसमें तीन ही तरीके हैं जिनसे हम लोग आना जाना कर सकते हैं। एक आपका कहलाता है लैंड ट्रांसपोर्ट, दूसरा कहलाता है वाटर ट्रांसपोर्ट, और तीसरा कहलाता है ठीक। लिख लिए? इनके यस अलावा भी कहीं आना जाना हो सकता है किसी तरीके से? बोलो, सूफिया, तहसीन, वकार, देवानिदा। किसी के मन में कोई संदेह? इनके अलावा तो कोई है नहीं, मतलब या तो आप इनको देखोगे, इन लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और आपका एयर। अब इसी में लैंड ट्रांसपोर्ट में दो और कैटेगरी निकल के आती हैं, एक आपका रोड और दूसरा आपका जी रेल। हम लोगों को एक तो ये वाला पढ़ना है, एक ये वाला पढ़ना है, और ये वाला पढ़ना ही नहीं है। क्यों? देख, वही तो आसान है। अब देखो, एग्जाम में मैक्सिमम याद रखिएगा, उसी एरिया से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो या तो बहुत ज्यादा कोई निगेटिव उसका असर हो या पॉजिटिव असर हो। अगर आप बात करेंगे रेलवे की, तो रेलवे से अगर आप उससे बात करें संबंधित, तो रेलवे में ध्यान रखना है कि, नहीं सॉरी, हवाई जहाज की बात कर रहे थे, तो हवाई जहाज में याद रखना, उतने लोग हवाई जहाज से ट्रेवल करते हैं साल में, जितने लोग रेलवे में पता लगा इधर उधर दाएं बाएं खिड़की दरवाजों में लटके रहते। मतलब रेलवे ज्यादा लोगों को प्रभावित करता है, हवाई जहाज में या लोग मौज में जाएं या मजे में, मस्ती में जाएं, मौज में जाएं या मजबूरी में जाएं। अब मान लो किसी को अगर सऊदी अरब में नौकरी करने जाना, उसके पास कोई और रास्ते नहीं, कहीं जमीन बेचो, घर बेचो, और या फिर जिनके पास पैसा है वो लखनऊ दिल्ली भी जाना होगा, तो भी हवाई जहाज, या मौज में या मजबूरी में। तो आज इतना ज्यादा इसका चलन बढ़ गया, उसके बावजूद फिर भी बहुत ही, अगर पूरी आबादी के हिसाब से देखा जाए, तो हमें लगता पूरी आबादी में मुश्किल से 5-10, 5-7% ही लोग ट्रेवल करते होंगे। इंडिया के 5% आबादी का मतलब भी लगभग 7.5 करोड़ के आसपास बनेगा, भाई लगभग 1.5 करोड़, 1.5 अरब आबादी मान के चलो, अगर हम लगभग मान लेते हैं।
और 7.5-8 करोड़ आबादी, एयर ट्रेवल बहुत बड़ी बात है अपने आप, क्योंकि ऐसा तो है ना उसमें इधर उधर 2-4 कोच में लटका दिए, इधर टायर लटके, इधर यहाँ ट्रेनों माल होता, ये एक सीट पर 5 माल बैठा लिए, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग इस वाले को, तो कुछ करना ही नहीं। आप इतना इसमें इतना ध्यान रखना है कि जितना भी आपका जो एयर ट्रैवल में कोई करंट अफेयर से संबंधित कोई मुद्दा हो उसे याद रखना, उससे पूछा जा सकता है। जैसे आपको याद रखना है कि करंट अफेयर से संबंधित कोई मसला हो सकता है, जैसे आपने देखा होगा कि मान लो किसी एयरपोर्ट का नाम बदल दिया जाए, जैसे कुशीनगर में कोई बन रहा है आपके यहाँ, कहाँ बन रहा है, कहीं बन रहा है गौतम बुद्ध के नाम से, हाँ तो वही तो पूछ रहे थे, आप वहीं गए हमसे। नहीं उस दिन आपसे बता रहे तभी मैं याद करा, तभी हमने पूछा भी थी नहीं के लिए था ना। तब देख जहाँ के हैं वहां के तो याद रखो, हाँ पता है वही तो बता कहीं नहीं, अभी तो पूछ रहे थे। खैर तो कहने का मतलब किसी का एयरपोर्ट का नाम बदल दिया जाए, या कोई नया एयरपोर्ट बन जाए, या जैसे कोई नया कोई किसी के साथ कोई डील हो, जैसे मान लो अपाचे हेलीकॉप्टर पूछ लेता कहाँ से खरीदा गया, ये कमर्शियल कार्गो है कि फाइटर है, या इस तरीके की कोई करंट अफेयर्स डेवलपमेंट रिलेटेड, बाकी इससे कोई मतलब होता नहीं होता था। ठीक तो अब इसमें बताइए कौन सा पढ़ा जाए, रेल रूट में इसमें, नहीं शुरुआत में तो बताइए, शुरुआत में तो ये सब लिखे कौन सा, मतलब कोई नहीं चाहे इसे पढ़ लो इसे पढ़ लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, हमने लिख दिए थे आप चाहे तो हैं। चलो जमीन वाला कल पढ़ो मालूम तो है आपको, बताऊं या इमीडिएटली अभी इमेज अपलोड हो जाएगी इस पर तुरंत। अच्छा एक चीज इमेज दिखाना चाह रहे थे आपको, वो अभी इमेज हमारे मोबाइल पर पड़ी कैसे अपलोड आप लोग पाता, नहीं नहीं हम अभी अभी बता रहे हैं आपको, हाँ पीडीएफ एंड पीडीएफ में करने पड़ेगा तब छोड़ो होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है नेशनल हाईवे के अलग अलग जोन है। नहीं चलिए उसको पहले से मैं नहीं मालूम, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग चलो वैसे पढ़ते हैं लेकिन वो बाद में बता देंगे दिखा देंगे आपको, ठीक है ग्रुप चलिए, क्योंकि उसमें क्या होता है अलग अलग रूट पर आपने देखा होगा उनके किनारे वो लगे लिखे होते हैं, पिलर गड़े होते हैं, उस पर लिखा होता है नेशनल हाईवे, कलर से पहचान कैसे करोगे, तो उसमें एक इमेज पड़ी थी उससे पता लग जाता, लेकिन वो इमेज अपलोड होने का, चलो फिर बाद में बात कर लेते हैं, ठीक है। वाटर ट्रांसपोर्ट में के अंदर भी दो आते हैं। हाँ एक नेशनल एक इंटरनेशनल है ना, तो चलिए वाटर ट्रांसपोर्ट में हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोगों को क्या मेनली पढ़ना है, सी पोर्ट पढ़ना है, और वो खास तौर से कौन सी बात, इन्हें हिंदी में क्या कहते हैं, बंदरगाह बंदरगाह कहते हैं, और कौन से वाले पढ़ने हैं, इंटरनेशनल, ठीक इंटरनेशनल सीपोर्ट पढ़ रहे हैं सारे। तो देखो कौन कौन से जो है आपको यहाँ पर इंटरनेशनल सीपोर्ट हैं और उनका क्या काम है और वो कहाँ कहाँ मिलेंगे, उन्हीं से संबंधित हम लोग सारी चीजों को यहाँ पर एक एक करके देखेंगे, तो आ जाओ जल्दी से जुड़ जाओ बस फटाफट। सुम्बो लरीबा निदा पसापहर सामिया सिद्दीकी आवाज आ रही, यस सर आ रही है। जी अच्छा चलो आज कम से कम जो है आज जुड़ ही गई क्लास में आप, सर जुड़े हैं वाईफाई से कनेक्ट, बार बार मेरा हटा जा रहा है, तो हम ऐसी जगह बैठे हैं जहां से नेटवर्क चलिए ज्यादा ठीक नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बंदरगाह पढ़ेंगे, तो बंदरगाहों में जरा देख लेते कौन कहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक मैप बना लेना है, वो भी पूरा नहीं आधा, और सामिया आप सामना में जुड़ी है, तो
ये वाली लाइन बना लो और इसके आगे बिल्कुल से क्या लिखेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यदि कर्क रेखा, ठीक है। अकरम आवाज मिल रही है सबको? यस सर। हाँ, अब इधर आपको ये साउथ इंडिया का एक ये पिस्से बनाना, क्योंकि पोर्ट आपको हमेशा पानी के किनारे मिलेगा ना। एक इधर मिलेगा बे ऑफ बंगाल, अब देखो इनमें क्या करना है। सीपोर्ट हमेशा कहाँ होंगे? कोस्टल एरिया में ही होंगे ना। यानी सीपोर्ट की अगर आप बात करेंगे तो सीपोर्ट हमेशा कहाँ होंगे? तटीय क्षेत्र में होंगे ना। तो कहीं पर अगर आप देखोगे तो सीपोर्ट अच्छा कितने भी हैं, तो सीपोर्ट जहां पर भी आप देखोगे तो ये कोस्टल एरिया में ही होंगे ना। तो इसलिए इनको आपको याद रखना है कि हमें सिर्फ इसीलिए उसको बीच का ही चीज को अपने लोगों ने उसे देखा, ठीक है। बात समझ में आ गई? अब देखो यहां पर एक काम कर लेते हैं कि सबको कौन कौन सा पोर्ट कहां पर पड़ेगा जब देख लेते हैं। अब अगर आप देखोगे जितने भी बंदरगाह हैं वो सब कोस्टल एरिया में होते हैं। एक यहाँ पर आपको पोर्ट मिलेगा जिसका नाम क्या है, कौन बताएगा? पांडला, सौरा ये स्क्रीन पर सब वो लोग गायब हो गए ना, पता नहीं सही आ रहा है किसी को ऐसे वापस सर, है। देखिए सब गायब हो गए हैं, किसी का नाम नहीं आ रहा है, नहीं है? अच्छा, पता नहीं, चलिए खैर, नहीं वो पहले स्क्रीन पर आ रहे थे, पता नहीं सब गायब हो गए। तो कांगड़ा के बाद में अगर यहाँ पर आते हैं एक और पोर्ट मिलेगा जिसका नाम है मुंबई। तो फिर उसके बाद एक और सर कहाँ पर मिलेगा, उसका नाम होगा नवासेबा, या इसी को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहा जाता है। यहां पर आ जाए कि इस पोर्ट का नाम है मारमा गोवा। फिर उसके बाद यहां आ जाए इसका नाम मिलेगा न्यू मैंगलोर। और यहां पर आ गए कि पोर्ट मिलेगा आपको कोच्चि। बता देते, ठीक सर दिख ही नहीं रहा है सर, दिख बहुत रहे बहुत हैं? कलर चेंज छोटा है सर, थोड़ा सा जूम। कर दे क्या? सर जूम कर दे। देखा आपको यस क्लियर? सर, अब दिखा। आप दिख रहा है? ना सब गायब हो गए सामने, क्या हो गया? अच्छा, मैं हमका ये कहाँ चलेगी? चलिए वो मार्गा गोवा लिखा हुआ है। अच्छा, मारना गोवा भी हम सब फिर से बता देते। चलो ऐसा करो, ग्रीन ज्यादा दिख रहा है, बढ़िया ग्रीन दिख रहा सही। देखो सबसे ऊपर लिखा हुआ है कांडला, ये वाला कांडला लिखा हुआ है। उसके बाद ये मुंबई है, ये है आपका जवाहरलाल नेहरू या नवासेबा, ये मारमा गोवा है, ये न्यू मैंगलोर है, और ये कोच्चि है। समझ में आया? यस सर। अच्छा, कांडला का एक नाम बदल के और कर दिया गया है। और पहली बात कांडला है कहाँ? ये गुजरात में है। अब कांगला का नाम बदल के कर दिया गया है पंडित दीन दयाल उपाध्याय। तो कांगला पोर्ट का नाम बदल के क्या किया गया है?
पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का बदला हुआ नाम है, ठीक। उसके बाद भी मुंबई आ जाओ, मुंबई और नवा जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों कहाँ हैं? ये दोनों पोर्ट महाराष्ट्र में है। दोनों पोर्ट ये कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक। उसके बाद में ये वाला भी मारना गोवा है, ये कहाँ है? गोवा में है। और गोवा न्यू हैम्पशायर कहाँ है? कर्नाटका में है। मार कर पतला कर दिया, ज्यादा बढ़िया दिखेगा। कोच्चि जो है ये कहाँ है? केरल केरल। अब मार्कर नहीं थोड़ा चेंज कर दिया, पतला कर दिया, सही दिख रहा है? अब दिखा, ब्लर आ रहा है सर। यस ब्लर आ रहा सर, है। क्लियर है सर, है? क्लियर है सर। बीच बीच पे ब्लर हो जाता है, नहीं दिखा नहीं, क्लियर। अभी फिर लगता है कैमरे का कुछ फोकस, सर, यस सर, यस। कुछ कुछ कैमरे का फोकस का जब होता तब आपको लगता होगा हमारी तस्वीर और बोर्ड की धुंधली दिखने लगती होगी। तो यस सर, यस सर, ये यस सर। हमें लगता है या तो नेटवर्क इशू है, या तो हाँ कैमरे के सामने कुछ हो सकता है, लेंस में डस्ट डस्ट आ गई, कुछ है। चलिए जब किसी मोबाइल से फोटो क्लिक करो, अब मोबाइल भी स्क्रीन पर वो सर्किल बन के आता है, जब सर्किल पे क्लिक कर दो तो बिल्कुल एग्जैक्ट आता है, और जरा सर्किल पे क्लिक ना करो तो ब्लर आती है। तो फिर कुछ ऐसे शायद इसके साथ भी हो सकता है, इसकी थूथन थोड़ा गंदी हो गई हो। चलिए तो यहाँ पर कोच्चि तक आ गए। अब उसके बाद में यहाँ पर पहले नंबर में तो आपसे पूछता है कि कौन किस स्टेट में है, तो कौन किस स्टेट में है, तो आपके सामने उनके नाम हमने लिखी थी, मारमा गोवा। हाँ मारमा गोवा, गोवा में ही। यानी कौन किस स्टेट में है वो तो आपके सामने लिखे हुआ है। उसके बाद में दूसरा यहाँ पर एक अहम क्वेश्चन ये होता है कि इनमें से कौन सा ईस्ट कोस्ट में या वेस्ट कोस्ट में है। मतलब ईस्ट कोस्ट का मतलब बे ऑफ बंगाल, और वेस्ट कोस्ट का मतलब आपका अरेबियन सी। यानी आपको या तो पूछता है कि इनमें से इधर कौन है या फिर इधर कौन है। तो यहाँ पर ईस्ट कोस्ट वाले देखो कौन कौन है, इसी में अगर हम लोग आगे देखें तो जरा देखो ईस्ट कोस्ट पे, यहाँ पर अगर देखोगे तो एक बंदरगाह पड़ता है जिसका नाम है तूतीकोरिन। उसके ऊपर एक किसी तमिलनाडु में एक बंदरगाह पड़ता है जिसे कहते हैं मद्रास या चेन्नई। यहाँ पर एक बंदरगाह आंध्र प्रदेश में पड़ता है, उसका नाम है विशाखापट्टनम। यहाँ उड़ीसा में पड़ता है, उसका पारादीप। यहाँ एक पड़ता है, उसका नाम है हल्दिया। और यहाँ पर पड़ता है आपका, उसका नाम है कोलकाता। ठीक, अब तो दिख रहा है सुम्बुल, सुम्बिया, तहसीन, मेहंदी, बकार, देवा, मरियम, मुर्शिदा। यस सर, यस सर, दिख रहा अब है। ये दिख रहा है, हमने तो गिरगिट इतना कितने रंग बदले, फिर भी अगर आपको नहीं दिख रहा है तो अजीब बात है। हैं? बोलो। ऊपर के दो यस तो दिख रहा है सर। अच्छा, आप दिख रहा है सर ऊपर के दो क्या लिखे हैं? ऊपर का नाम है कांगला, इसका नाम ये वाला यस सर, मतलब ईस्ट साइड में। ये कलकत्ता है, ये हल्दिया है, ये पारादीप है। ठीक है, और आप लोगों के क्वालिटी के मास्टर दूसरे आएंगे, आप लोगों से मुलाकात होगी, अब शायद आप लोगों को पता हो गया होगा, है तो एक दूसरे मास्टर साहब आएंगे पॉलिटिक्स। ठीक है, अब कब क्लास लगती है उसको हमें नहीं मालूम, लेकिन कोई दूसरे आने वाले। चलो ठीक है, बोलो मुस्कान, सूबिया, मरियम, किसी को कोई दिक्कत? नो सर, सब ठीक? यस अरे सर, साहब बता रहे हैं, अभी टेंशन बिल्कुल न लो, अभी कुछ ऐसा हड़बड़ाहट नहीं कर सकते, ठीक है, पढ़ो सुकून में।
हड़बड़ाहट में भूल भाल जाओगे, तो भूलने की बीमारी हम लोगों में रहती है। अब जैसे इधर स्टेट्स के नाम जाने थे, तो कलकत्ता जो है ये दीदी के पास है, हल्दिया वेस्ट बंगाल, भी दीदी के पास है, पारादीप नवीन पटनायक के पास है। नवीन पटनायक समझते हो, बीजू जनता दल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश मतलब विशाखापट्टनम, यही है। और ये दोनों अम्मा के पास हैं, अम्मा समझते हो तमिलनाडु। कौन अम्मा है? अम्मा थी, चली गई अम्मा, जयललिता, यस, तमिलनाडु। आज भी उनका बहुत नाम है सर। सर नाम बहुत है अम्मा का। वहाँ तमिल में सर अभी भी होटल और बसेस उनके नाम पे चलते हैं सर, फ्री में। अम्मा हीरोइन भी रही थी राजनीति में आने से। हाँ ठीक, तो ये तमिल, ये सारे हमने आपको नाम नोट करा दिए, यानी अगर आपको ये लिखना है कि कौन कहाँ है, तो उनके नाम लिखे हुए हैं। अरे बोलो हाँ कि ना। यस सर, हाँ अब क्या करना है, अब करना ये है कि इनमें आपको एक तो ईस्ट कोस्ट का पता लग गया और वेस्ट कोस्ट का पता लग गया, कौन ईस्ट में कौन वेस्ट में। दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा, यहां से पूछते कौन किस राज्य में है, वो आपके सामने लिखा हुआ है। तीसरी बात यहाँ पर एक और याद रखिएगा, यहाँ से पूछते एक्सपोर्ट क्या है और इम्पोर्ट क्या है, यानी किस बंदरगाह से कौन सा आयात है और किस बंदरगाह से कौन सा निर्यात है। अच्छा, आयात तो तब करेंगे जब हमें वो कोई हमारे पास कोई चीज की कमी होगी, और निर्यात हम तब करेंगे जब वो हमारे पास उस चीज की अधिकता होगी। यानी आप पेन किसी से तभी मांगोगे जब आपके पास नहीं होगा, और आपको पेन देगा कोई तभी जब उसके पास एक से ज्यादा होगा। ठीक, तो यहाँ पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट तो हजारों चीजों का होता है, याद कैसे रखेंगे। हाँ सर ईस्ट बताएं, किसने कुछ कहा, की साइड एक और भी तो है, पोर्ट ब्लेयर जो पोर्ट बेगू। ब्लेयर है, लेकिन वो अंडमान निकोबार में, पहले इतने निपटा लो, उसको भी भूले नहीं जा रहे हैं, हमें याद है। ठीक है, याद दिला दिया आपने, बहुत अच्छा किया, लेकिन वो हमें याद है। ठीक है, अंडमान निकोबार वाला पोर्ट ब्लेयर है, वो भी इंटरनेशनल, लेकिन अभी थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, अभी मिल जाएगा। ठीक, हाँ, तो अब हम लोग कहाँ पर, यहाँ तक बोलो, किसी को कोई समस्या। अच्छा, ये एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट याद कैसे रखोगे। बोलो, देखो, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट याद रखने से पहले आपको एक चीज ये पता होनी चाहिए कि हिंटरलैंड से हिंदी में प्रस्थ प्रदेश कहते हैं, ये मालूम होना चाहिए आपको। प्रस्थ प्रदेश, प्रस्थ प्रदेश का मतलब उस बंदरगाह या उस सी पोर्ट का कवरेज एरिया, प्रभावित क्षेत्र। जैसे कहते हैं ना कि आदमी है, इसकी पहुंच दिल्ली तक है, होते ना, मतलब उस आदमी किसी भी पोर्ट का जो हिंटरलैंड होगा, उसका मतलब वो उतने एरिया के आयात और निर्यात को कवर किए हुए है। जैसे अगर आपसे कह दे कि मान लो कोई यहाँ मोबाइल टावर लगा है, तो ये 10 किलोमीटर के एरिया को कवर कर रहा है, इसका मतलब इस मोबाइल टावर का जो एरिया है वो 10, हिंटरलैंड है वो 10 किलोमीटर। बात समझ में। तो अगर किसी भी एरिया, किसी भी पोर्ट का आपको हिंटरलैंड मालूम है, तो वहां का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आप बहुत आसानी से पता कर लोगे। अगर हिंटरलैंड जिस मामले में रिच होगा, तो वो वहां का एक्सपोर्ट होगा, और जिस मामले में हिंटरलैंड फकीर होगा, गरीब होगा, तो वो वहां का क्या होगा, इम्पोर्ट। भाई आप किसी चीज से तभी तो मंगाओगे जब वो आपके पास जरूरत से कम होगी,
तो मंगाओगे। मान लो अगर भारत के पास तेल बहुत होता तो क्या बात, जरूरी सऊदी अरब से खरीदते फिर? तो जरूरत है कि अगर गैस होती तो क्या जरूरत थी खरीदने के लिए? या अगर मान लो उनके पास गेहूं होता सऊदी वालों के पास, तो भारत से चीन से गेहूं क्या खरीदते वो लोग? बात समझ गए? इसी तरीके से तो हिंटरलैंड किसी भी एरिया का देखकर उस एरिया उसके पोर्ट को अंदाजा लगा सकते हैं। अब जरा कैसे अंदाजा लगाएंगे जरा देखो। अब किसी भी हिंटरलैंड में अगर आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की अगर बात करेंगे तो देखो, अब आपको सबसे पहले हम एक को बता देते हैं, फिर उसके बाद आप कुछ सोचिए। जब अपने आप सोचोगे तभी कुछ खोपड़ी में बात घुसेगी, अन्य वरना खाली दूसरे बताया हुआ वही रहेगा। आपको जैसे खाली एक तरीके से बैसाखी, अब बैसाखी पर चलने वाला कभी कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता उसका, बैसाखी खत्म तो काम खत्म। ठीक, चलो देखो, अगर हम लोग बात कांडला की कर ले जिसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, तो इसके पोर्ट अगर हिंटरलैंड की बात करते हैं, एक तो हिंटरलैंड इसका गुजरात और बगल में कौन राज्य है, राजस्थान, और यहाँ कौन राज्य पड़ता है, पंजाब, और ये राज्य कौन सा है, हरियाणा। मतलब अगर, और यहाँ पर ये पश्चिमी मध्य प्रदेश का एरिया है, ये नहीं, ये समझ लो ये इसका पूरा का पूरा क्या है, यो हिंटरलैंड। ठीक, अगर हम इस पूरे हिंटरलैंड की बात करें तो यहां पर देखिएगा इस पूरे हिंटरलैंड पे कि इस राज्यों में कौन राज्य जो है वो, यानी कौन कौन राज्य आते हैं, तो ये पता लग गया। अब आपको ये भी पता होगा कि गुजरात वाला एरिया है, यहाँ मिट्टी कैसी होगी, ब्लैक सॉइल। और अगर ब्लैक सॉइल है तो होता क्या होगा, कॉटन। और अगर कॉटन होगा तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी होगी, तो इसका मतलब यहां से एक तो कॉटन का एक्सपोर्ट होगा, दूसरा सूती कपड़े का होगा, क्योंकि यहां पर बहुत जमा बड़ा तगड़ा है। दूसरी बात, गुजरात की सबसे लंबी कोस्ट लाइन होने के कारण यहां पर क्या होगा, यहां पर खूब ढेर सारी मछली पकड़ी जाती है, वो क्या होंगे, एक्सपोर्ट। ये जो देखते हो गोमती में नदी में नाव लेके दिन भर वो जाल लिए घूमते रहते हैं, क्योंकि ये अपने खाने के लिए मछली पकड़ते हैं, बेचने के लिए पकड़ते हैं, मल्ला। ठीक, दूसरी बात, आपको याद होगा गांधी जी ने दांडी मार्च यही से शुरू किया था, नमक गुजरात में बहुत बड़े पैमाने पर होता है। उसके बाद में इन्हीं, आप ऐसे समझ लो कि गुजरात की कोस्ट लाइन लंबी है, कोस्टल एरिया में सी प्रोडक्ट बहुत सारे चीज, सी प्रोडक्ट का मतलब सील, शंख, मोती, गेंगा, जैसे यहाँ नहीं होता है। देखो कभी भी अगर आप समुद्र के किनारे किसी बस्ती में चले जाओ, वहां के लोगों का ये व्यवसाय होता है, वो समुद्र से पता लगाए शंख, गेंगा, सील, मोती, कौड़ी, ये सब निकालते हैं और वो उनके बिकते हैं, मछली, केकड़ा, झींगा। तो ये क्या है, एक तरीके से सी प्रोडक्ट में आते हैं, सागरी उत्पाद में, तो ये ज्यादा होंगे तो सिर्फ इसीलिए तो करते बेचने के लिए। तो एक तो ये चीजें हो गई, दूसरी बात यहाँ का कपास हो गया, नमक, साथ ही साथ ये विंध्याचल रेंज है, यहाँ से बहुत कीमती पत्थर, नहीं जिसे आप लोग रत्न और आभूषण कहते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी कहते हो जिसे, वो ना देखो लोग अंगूठी पहने होते, कहते हैं इस पर ये मोती लगा हुआ, कोई मुसीबत आएगी जो मोती चटक जाएगा आप बच जाएंगे, उनका ऐसा भ्रम होता है, होता कुछ नहीं, रोलर तले आ गए तो अपने आप चटक जाएंगे, अंगूठी में चटकेगी। ठीक है, हाँ मतलब वही तो, चपाती ने पूरा पापड़। तो बात यह है कि वो ऐसा होता कुछ नहीं है, सिर्फ कुछ लोग होते ना 20-20 ठो मुट्ठी पहने आते हैं घूमे महंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तांत्रिक लगते हैं ज्यादा पहले। ठीक है, तामझाम बहुत सारे देखो वहां आजकल, वो देखता लड़कियां भले ना वो चूड़ी पहने कड़े कंगन, तो आजकल लड़के लोग ज्यादा पहने घूमेंगे,
कुछ लोग यहाँ से लेके यहाँ तक इतने धागे बांध लेंगे, पता लगा हर हर मंदिर, हर दरगाह, हर चावल का धागा, ये क्या आदमी को तांत्रिक ज्यादा लगते हैं। माला गले में इतनी पहनने में पता नहीं लग रहा है कौन सी माला, किस भगवान की है या किस देवता की है, किस अवलिया की है, है ना। अरे मतलब अच्छे खासे इंसान हो यार, बिल्कुल एकदम तांत्रिक बने घूम रहे हो। श्रद्धा होनी चाहिए अपनी, खूब मन में मजबूत रखो, लेकिन उसका प्रदर्शन तो ना होना चाहिए। प्रदर्शन से तो मतलब है, आजकल देखो लोग एक पौधा लगाते हैं तो 20 लोग उसका फोटो खींचा फेसबुक पे डालते हैं, कोई पानी डाल रहा है, कोई उसमें ये कर रहा है, और किसान कितना पेड़ लगाता है, कहीं कोई आपका फोटो आ गई। यदि शहर शहर में लोग कुत्ता पाले तुझे एनिमल लवर, और गांव का आदमी गैया पाले तो गंवार। गांव में आदमी अनपढ़ आदमी गैया चलाता है, भैंस चलाता है, गंवार कहते हैं, यहाँ पढ़े लिखे कुत्ता चलाते। मतलब वो अगर गांव में कुत्ता गाय चलावे तो गंवार, यहाँ वाले पढ़े लिखे कुत्ता चलावे सवेरे सवेरे लेके दे दो एनिमल लवर। वो सोचो बकार खाई करे क्या, हुआ बकार बारावंकी वो यस अवरेली हैं। सर, यस सर, हाँ ये सब देखो ना, अजीब किस्म का हाल आ गया दुनिया में। ठीक है चलिए, तो ये बात समझ में आई। तो हिंटरलैंड, यानी जिस मामले में हिंटरलैंड रिच होगा वो सब वहां के एक्सपोर्ट होंगे। अच्छा अब यहाँ का इंपोर्ट क्या होगा, खरीदते क्या होंगे, आपको मालूम होना चाहिए। भारत अपनी टोटल जरूरत का 80 से 85% पेट्रोलियम जो है वो विदेशों से इंपोर्ट करता है। यानी हमें अगर 100 लीटर की जरूरत है तो उसमें से हम 85 लीटर तेल, या परसेंटेज में कहें 85% क्रूड ऑयल विदेशों से खरीदते हैं। आप खरीदेगा तो वहां पर पैसा तो इन्हें कहीं रख के चले आएंगे खोपड़ी लेके, आएगा तो बंदरगाह समुद्री जहाज से, और समुद्री जहाज से आएगा तो उतरेगा कहाँ, बंदरगाह पे। तो जितने भी अपने आगे पोर्ट हैं इन सबके ऊपर जो है वो आपका मेजर इंपोर्ट जो है वो क्रूड ऑयल होगा, सभी के ऊपर लगा देना, आंख बंद करके कभी गलत नहीं। खनिज तेल, ठीक। तो खनिज तेल यहाँ का क्या हो जाएगा, इंपोर्ट हो जाएगा, आया। साथ ही साथ बहुत सारे केमिकल, भारी मशीनें, दवाएं, फर्टिलाइजर, बहुत सारी चीजें इंपोर्ट होती हैं। और तो इसी तरीके से किसी भी पोर्ट का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आप याद रखेंगे उस एरिया के हिंटरलैंड को देखकर। बात समझ में आई, मरियम, मुस्कान, सूफिया, वकार, अकरम अंसारी, जेबा, निदाई, तहसीन, सूफिया, बोलो सुम्बुल, यस सर, समझ में आई समझ में आ गए। सर, बस यस समझ सर, में ही आए, इसीलिए तो हम सोच रहे हैं, यही के लिए तो कोशिश चल रही है। ठीक, तो कभी भी याद नहीं रखना है, क्योंकि ऐसे तो हजारों लाखों चीजें एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती, कहां तक याद रखोगे, है ना। तो इसीलिए ऐसे इस तरीके से याद रखेंगे। अच्छा अब अगर इसी तरीके से हम बंबई वाले को देख लें, तो बंबई वाले बंदरगाह के अगर देखो, जैसे महाराष्ट्र पड़ेगा, ये पूरा मध्य प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा छोड़ के पूरा ये कवर कर लेगा, उत्तरी कर्नाटका का हिस्सा कवर करेगा। तो अगर आप इस वाले हिंटरलैंड को देखो तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी काली मिट्टी खूब डट के, और काली मिट्टी है तो कपास, और कपास है तो सूती कपड़ा। बगल में महाराष्ट्र में गन्ना बहुत होता है, यहाँ से चीनी का भी एक्सपोर्ट होगा, सोयाबीन बम्पर होती है यहाँ इस एरिया में, मध्य प्रदेश और इस वाले एरिया में सोयाबीन का एक्सपोर्ट होगा। और आयात में कॉमन चीज लगा देना, पेट्रोलियम कभी गलत नहीं होगा। इसी तरीके से मामा गोवा को ले लो, गोवा के आसपास कच्चा लोहा जमीन में बहुत भयंकर भरा हुआ है, तो यहाँ का कच्चे लोहे का एक्सपोर्ट बहुत बड़े लेवल पर होता है। कर्नाटका की बात कर लो, यहाँ कॉफी बहुत होती है, याद करो कुदरे बताए थे, याद करो बाबा बुदन वाला स्टोरी। तो यहाँ 75 से 80% कॉफी इंडिया की अकेले यही होती है, तो यहाँ से कॉफी एक्सपोर्ट होता है, इसीलिए न्यू मैंगलोर को कॉफी पोर्ट कहते भी हैं, ये भी बताया था।
न्यू मैंगलोर को लिख लो यहाँ पर, इसे कॉपी पोस्ट करते हैं। मरियम, सूफिया, मुस्कान, वकार, जेबा, तहसीन, ठीक है? इसे क्या यस कहते सर। हैं? हाँ, न्यू मैंगलोर को कॉपी पोर्ट कहते हैं। ईरम साफ है, ईरम मेरठ। यस सर। नेशनल स्क्रीन पर बने उच्चारी पांच नाम कितने बने, एरो बैक किया तब जाके दिखा गिरम भी, हमें लग रहा था है ना, ने वो उच्चारी पांच नाम दिखे हिंदी स्क्रीन पर। हाँ लिख लिया। अच्छा, अगर ये पूछ ले कोई विश्व का कॉफी पोर्ट तो सेंटोस, है? सेंटोस कितने बताया? अच्छा, मरियम समरियम, कहाँ से है? बाराबंकी। सब बाराबंकी भरे पड़े लोग क्या है? बाराबंकी कहाँ? देखा देखा। सर सिटी से ही लगा हुआ, विलेज है वहां से। अच्छा, नहीं, बाराबंकी में एक देवा भी है, एक महादेवा भी है। नहीं, बाराबंकी में सुना दो है, एक देवा है, एक महादेवा। तो हमने कहा कहता हुई, मैं याद आ गया, देवा में उर्स होता है ना, देवा में उर्स किसका होता है? यूपी पीसीएस के पेपर लगा ना, जीएस में कितनी बार पूछा गया है कि बाराबंकी में किस प्रसिद्ध हाजी वारिस अली। दरगाह है? किसकी है? हाजी बारिश अली, ठीक है? पूछा जाता दरगाह किसकी है, तो हाजी बारिश अली शाह की है। बाराबंकी में देवा जगह पड़ती, बाराबंकी 12-13 किलोमीटर शायद आगे है। हाँ, बाराबंकी। चलिए, तो याद रखना है, कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, या ऐसे पूछा जाता देवा शरीफ कहाँ है, या ऐसे चार नाम एक तरफ लिख देते, चार सिले मिला हो, जैसे देवा बाराबंकी मिलेगा, जैसे मान लो एक कोई जगह पड़ती ढाई घाट, वो कहीं मिलान करने को आ जाएगा, ये मान लो बिठूर, वो किस जिले में मिलान करने को जाता है, ये नीम साहब जो सीतापुर में नैमी शरण जैसे कहते हो, तो मिलाने को आ जाता है। हाँ ठीक है, हाँ, तो याद रखना ऐसे ही, कभी जरूरत आगे में हमें बता दो। चलिए, तो यहाँ पर बात समझ में आएगी। अब बात अगला कर लेते हैं, इन्होंने सही बताया था कुछ, सेंटोस जो है ब्राजील का बंदरगाह है, जिसे कॉफी पोर्ट कहते हैं, ठीक है? मरियम बिल्कुल सही बताया था। उसके बाद आ जाते हैं कोच्चि। कोच्चि से सब मैक्सिमम किस चीज का एक्सपोर्ट होगा, क्योंकि केरल में सबसे ज्यादा क्या होते हैं? मसाले, ठीक है? और मसालों में चाहे वो इलायची हो, लौंग हो, काली मिर्च हो, जावित्री, सावित्री, रायफल, जायफल, जितने भी होते हैं सबका एक्सपोर्ट हो, ठीक? और ये बहुत बड़े लेवल पर यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। बगल में यहाँ पर चाय, नीलगिरी पहाड़ियां हैं, उस पूरे एरिया में चाय भी बहुत होती है, कॉफी बहुत होती है, नारियल बहुत होता है, सब क्या होगा? एक्सपोर्ट होगा। इम्पोर्ट में क्या होगा? यहाँ से क्रूड ऑयल है, मतलब गेहूं का इम्पोर्ट होता है, मालूम क्यों? क्योंकि इस एरिया में गेहूं होता है, या तो पंजाब से गेहूं खरीद के मंगाए, और या तो किसी पड़ोसी देश से दूसरे से ना गेहूं खरीदे, ऑस्ट्रेलिया वगैरह से, जितना ऑस्ट्रेलिया से खरीद के हमारा कम टाइम में आ जाएंगे, उससे ज्यादा ट्रेन टाइम लेते यहाँ पहुंचने, पैसे इन्हें भी देने, पैसे उन्हें भी देने, है ना? है। उसके बाद में यहाँ पूर्वी तट पर आ जाओ, पूर्वी तट पे तूतीकोरिन क्या है, ये सबसे कम गहरा शैलो वाटर पोर्ट है, लिख लो, तूतीकोरिन भारत का सबसे कम गहरा बंदरगाह है। बकार, सुम्बुल, साफायत, अकरम, मरियम, इरम, तहसीन मेहंदी, सूफिया, जेबा, बाराबंकी के ज्यादा लोग हैं। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। क्या रिपीट करना है? बोला ये था कि तूतीकोरिन भारत का सबसे कम गहरा बंदरगाह है। तूतीकोरिन इसका क्या मतलब कम गहरा मतलब सर, यहाँ बड़ी शैलो जहाजें वाटर नहीं आ है, सकती? जैसे अमूमन जो बंदरगाह होते बहुत ज्यादा उनकी गहराई होती है, कम गहरे बंदरगाह पर भारी भरकम जैसा समुद्री जहाज नहीं आ पाएंगे। वो एक सुना नहीं था कि वो कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था, जहाज हमेशा कम पानी में जल्दी डूबता है। आर्किमिडीज की थ्योरी भी यही कहती है, कोई चीज तब तक नहीं डूबेगी जब तक अपने भार, जब तक वो अपने भार के बराबर पानी को हटाती रहेगी।
पता लगा जहाज है 2 लाख टन का, पानी पता लगा गहराई 20 फीट है तो उसमें धस जाएगा। वही था तो दूसरी बात, हाँ यही समझ में आया, यही यही कॉन्सेप्ट यही है। दूसरी बात देखना, गहरे पानी में आदमी भले बच जाए, छोटे कम गहराई पानी जल्दी, और अगर जो कोई सुसाइड करने वाले लोग होते हैं, पता लगा पुल से छलांग लगाई, पता लगा वहां जहां गिरे थे वहां गहराई थी नहीं, मर जाओगे टकरा के जमीन से जल्दी। कभी कभी पानी के बारे में जब मालूम ना हो गहराई कितनी है तो वहां उन्हें कूदना नहीं चाहिए। पता लगा आप सोच रहे हो पानी ऊपर बहुत गहरा वाला छलांग लगाई, पता लगा वहां 1 फुट पानी था, हाथ में टूट गए, या पता लगा आपको लग रहा 3 4 फीट गहराई पानी होती, पता लगा 20 फीट गहरा तो गायब हुई है ना। तभी अनजान इलाके में जहां पर जानकारी ना हो, तैरना अच्छे से नहीं आता है तो नहीं जाना चाहिए। वो कहते हैं ना बिच्छी का झाड़ नहीं मालूम, सांप पकड़ोगे सांप के बिल में हाथ डालोगे तो मर तो जाना है। ठीक है हाँ, नहीं कुछ लोग होते हैं बहुत बड़े अवलिया टाइप के। हाँ चलिए, अब उसके बाद में आ जाते हैं मद्रास। ये बहुत, ये पूर्वी तट का सबसे बड़ा, सबसे और देश का दूसरा, देश का सबसे पुराना बंदरगाह, इन ईस्ट कोस्ट का सबसे बड़ा और सबसे पुराना बंदरगाह कहा जाता है ये मद्रास, इसी को चेन्नई कहते हैं। ठीक है, तहसील मेहंदी। जी सर। हाँ लिख लिया। हाँ उसके बाद विशाखापट्टनम के आगे नोट करके लिख देंगे, देश का सबसे गहरा बंदरगाह है, यानी डीपेस्ट पोर्ट इन इंडिया विशाखापट्टनम। और यहां से मैक्सिमम कच्चे लोहे का एक्सपोर्ट होता है। यहां से मैक्सिमम किसका एक्सपोर्ट होता है? कच्चे लोहे का एक्सपोर्ट होता है यहाँ से। और कहाँ? जापान को भेज दिया जाता है, और हम लोग कच्चा लोहा जापान को भेजते हैं, जापान बना के स्टील हमारे यहाँ 10 गुने रेट पर बेचता है, और हम लोग कॉलर खड़ा करके पैक खरीदते हैं। ठीक, पारादीप के आगे लिख देंगे, उड़ीसा में दूसरा सबसे गहरा बंदरगाह है। लिखिए पारादीप देश का दूसरा सबसे गहरा बंदरगाह है, मतलब पोर्ट। ढंग से पढ़ाओ, इससे इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर लगा करो। अब यार हमारे ऐसे लैपटॉप की बैटरी खराब हो गई, अब उसमें बंद पड़ा, उसमें कहते हजारों हजारों पीडीएफ पड़ी, अब वो बंद पड़ा, अब उसकी बैटरी लगे सारी पीडीएफ कॉपी करके भेज दें, अब वो उसकी बैटरी खराब। देश का पारादीप दूसरा सबसे गहरा बंदरगाह है। उसके बाद हल्दिया के बारे में कुछ खास नहीं लिखना, कलकत्ता के बारे में लिख देंगे, ये एक रिवर पोर्ट है। हल्दिया जो है वो एक नदी बंदरगाह है, नदी। और किस नदी के ऊपर है? किस नदी के ऊपर है? हुगली हुगली नदी। नदी के ऊपर है। और हुगली नदी क्या है? हुगली नदी के बारे में बताया था, हुगली नदी गंगा की एक बितरिका है, जिसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। गंगा की क्या है? पितरिका है, डिस्ट्रीब्यूटरी। समझ में आया? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। हाँ तो ये कुछ हो गए पोर्ट। जो अब इनमें हिंटरलैंड वाली बात तो हमने आपको पहले बता दी थी, आया तो निर्यात कर लेंगे यहां से आसानी से। भाई जैसे विशाखापट्टनम बगल में छत्तीसगढ़ है, लोहे की भरमार है, यहां से यहां पर एक लोहे की खान है, उस खान का नाम है बैला टीला। जी हाँ, ये देश की सबसे बड़ी लोहे की खान है, तो यहाँ बैला टीला से जो लोहा निकलता है उस लोहे को जापान भेज दिया जाता है विशाखापट्टनम बंदरगाह के जरिए। अच्छा चलो, कलकत्ता का एक्सपोर्ट बताएंगे कौन? अकरम, जेबा, सुफिया, मरियम, इंगरम, साफ, सुम्बुल, तहसीन, बकार, सब लोग बताओ वहां क्या होगा, यानी कांगला कलकत्ता बंदरगाह का एक्सपोर्ट क्या हो सकता है? कपड़े का, कॉटन, राइस, कॉटन। जूट, अरे चावल भैया सर, सुनो, कॉटन कहाँ से होगा कलकत्ता में, कहाँ पर सूती जूट, कपड़े का ज्यादा गढ़ है?
जूट जूट होगा, का जूट होता है, जूट 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 का होगा, सर। जूट होगा। बगल में दार्जिलिंग है, चाय की भरमार है, तो चाय का एक्सपोर्ट होगा। और सर चावल मसालों सबसे, का भी चावल सबसे ज्यादा भारत में पश्चिम बंगाल में होता है, चावल का एक्सपोर्ट होगा, जूट का एक्सपोर्ट होगा, मछली का एक्सपोर्ट होगा, अभ्रक एंड कच्चे इस्पात लोहे का एक्सपोर्ट होगा, अभ्रक का एक्सपोर्ट होगा, ये सारी चीजें होंगी, क्योंकि यहाँ चीज़ें। बड़ा इस चीज होगा। बोलो, इस्पात बोले हैं सर। हमने बोला इस्पात भारत एक्सपोर्ट नहीं करता, कच्चा लोहा। इस्पात हम लोग खरीदते हैं जापान से, बताया था अभी, यस सर। कच्चा लोहा है, अभ्रक है, कोयला है, चीनी है, जूट है, चावल है, चाय है, मछली है, इन सब का एक्सपोर्ट होता है यहाँ से, क्योंकि ये सब पूरा समझ लो वहां पर बहुत जमावड़ा ज्यादा है इन चीजों का, क्योंकि बगल में असम, बगले में लगता है तो, और असम के पास अपना कोई पोर्ट तो है नहीं, उसके सबसे नजदीकी पोर्ट यही है। ठीक है, चाय का एक्सपोर्ट में भारत एक जमाने में बहुत बड़ा नाम, बहुत पैसा कमाया करता, लेकिन अब तो चाय जो है हम लोग एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं कर पाते। हम लोगों से चाय का एक्सपोर्ट तो केनिया और श्रीलंका करते, वजह क्या है, अपने पास आबादी इतनी ज्यादा, अपनी चाय सब खुदे पी लेते। यहाँ शहर में तो एक आध कप पीते हैं, गाँव में जब तक 1 लीटर सभी जब ना पी ले, घर से नहीं लेगा, वो भी बड़े बड़े तसले में। सर हाँ हमारे पास भी तो स्टील इंडस्ट्रीज है सर, तो फिर हम आयरन का एक्सपोर्ट क्यों करते हैं सर, स्टील को फिर इंपोर्ट करेंगे। आपकी, सुनो, आपके पास कारखाने 10-20 तो हैं और आपको जरूरत है बहुत ज्यादा की, तो क्या करेंगे? आपके पास घर में एक बाइक है, आदमी घर में 15, तो क्या कर, 7 साल में उस बाइक को यूज कर लेंगे? यस सर, तो ये बात तो आपकी सही है, स्टील इंडस्ट्री अपने पास है, लेकिन क्या है वो दूसरी बात, स्टील इंडस्ट्री जितनी उसे रिक्वायरमेंट है, हम लोग उसकी तो डिमांड पूरी करते हैं, प्लस जो बचता है उसे बेच भी देते हैं, और वो हम लोग स्टील की जो हमारी इतनी जरूरत है, वो हमारी स्टील इंडस्ट्री हमको उतनी जरूरत पूरी नहीं कर पाती। जैसे फर्टिलाइजर की जितनी भारत को जरूरत है, उतना फर्टिलाइजर अपने यहाँ नहीं होता है। जितना भारत में यहाँ पेट्रोलियम की जरूरत है, उतना पेट्रोलियम नहीं होता है। बात अगर होती तो फिर काहे के लिए ऊपर डिपेंडेंसी रहती। ठीक है, किसने पूछा था? सर साफ है, साफ आया? यस सर, चलो कोई बात नहीं, आप समझ में आ गया बच्चा? दिक्कत? जी, नो सर, अच्छा तो बताओ, इरम, मरियम, सूफिया, जेबा, अकरम, तहसीन मेहंदी, सुम्बुल, किसी वकार, किसी के मन में कोई सवाल, किसी भी प्रकार का जो अभी तक पढ़ा है उससे संबंधित तो पूछो, जो नहीं पढ़ा है उससे संबंधित पूछो, जो अपने आप पढ़ा है उससे संबंधित पूछो, और जो कुछ भी नहीं किए पढ़ा है उससे संबंधित पूछो, अगर हो तो। अब नहीं है तो कोई बात सर नो सर। सर नहीं। हाँ बोल, सर कल हमें इकोनॉमिक्स वाले सर ने टाइटेनियम कुछ बताया था, ये क्या होता है? क्या टाइटेनियम? जी सर, ये क्या होता है? टाइटेनियम एक धातु है। अब टाइटेनियम एक धातु है, बाकी टाइटेनियम कैसे काम करता है ये साइंस वालों से पूछना, वो ज्यादा बताएंगे बढ़िया। ज्योग्राफी में टाइटेनियम का रोल इतना हो सकता है, ये कहाँ निकलती है, किस राज्य में निकलती है, किस कंट्री में निकलती, बाकी टाइटेनियम का केमिकल कंपोजिशन क्या है, ये कैसे यूज होता है, ये सब साइंस बैकग्राउंड का विषय है। ठीक, टाइटेनियम एक कठोर धातु है, बस इतना जाना। ओके सर।